लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रिसाइज मैकेनिज्म के, तो ये वीडियो प्रिसाइज मैकेनिज्म के ऊपर है। पहले एक बेसिक सी बात ये समझ लो कि भाई यहाँ पे जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्ट कर रहा होता है किसी के साथ भी, सपोज इसने रिएक्ट करा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच के साथ, तो इसने क्या करना है, इसने पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इसने प्रोवाइड क्या करा, एच निगेटिव प्रोवाइड करा। ध्यान रखना हाइड्राइड एच निगेटिव, इट्स एच निगेटिव विच इज गोइंग टू अटैक टू दिस कार्बन। सो वेयर इट इज गोइंग टू अटैक, दिस वन इज नेगेटिवली चार्ज, दिस वन इज पॉजिटिवली चार्ज, सो दिस हाइड्राइड विल अटैक टू दिस साइड एंड फॉर टाइमिंग वी आर गोइंग टू हैव ए कंपाउंड लाइक दिस सी ओ नेगेटिव चार्ज, दिस एच एंड दिस एच। नाउ वी आर लुकिंग फॉर पॉजिटिव। अब यहाँ पे सस्पेंस क्रिएट हो जाती है कि अभी अगर उसने H पॉजिटिव दिया, H नेगेटिव जनरेट करा, तो H पॉजिटिव अब सिस्टम में कहाँ से आ रहा, क्योंकि पढ़ा तो यही है कि H पॉजिटिव इस वाली साइड पे आ जाना है, इस वाली साइड पे H पॉजिटिव आ जाना है, ये तो पढ़ा है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि वो पहले स्टेप के अंदर उसने एच नेगेटिव जनरेट करा और दूसरे स्टेप पे हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है, कस्टमर केयर में कॉल लगाया कि अब हमें एच पॉजिटिव चाहिए, एच नेगेटिव नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो आखिर एच नेगेटिव कैसे आ सकते हैं? उसका आंसर क्या है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कभी भी अकेले तो नहीं ले रहे, इसके सेकेंड स्टेज में वाटर ले रहे और ये कहानी यहाँ से जनरेट होती है। तो मिल मिलाकर इतनी सी बात है कि इसमें पहले एच पॉजिटिव तो हाइड्राइड से आ रही है, लेकिन एच नेगेटिव तो हाइड्राइड से जनरेट होती है, लेकिन एच पॉजिटिव वाटर से आ रही है, और ये कंप्लीट सेंटेंस है। जनरली इसे हम हर जगह यूज कर सकते हैं, यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट है, हर जगह यूज कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में बताया कि कहाँ पर नहीं कर सकते। एक और भी पॉइंट है जहाँ पर नहीं कर सकते, वन जो एल्कोहल है इसे रिड्यूस नहीं कर सकते लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज करके, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज करके एल्कोहल को रिड्यूस नहीं कर सकते। अब एक बार ये देखें कि जिन्हें रिड्यूस कर सकते हैं उनके साथ क्या मैकेनिज्म है। अब ये साइनाइड के साथ क्या मैकेनिज्म है, तो साइनाइड के साथ भी पहली बात वही है, हर बार एक ही चीज़ है। इसे बार बार इसलिए रिपीट करा ताकि एक बार बच्चों के दिमाग में सेट हो जाए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो इस वाली केस के अंदर देखो, दिस एच नेगेटिव इज गोइंग टू अटैक टू दिस पार्ट। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, एन के ऊपर नेगेटिव है, तो एच ने अटैक कहाँ पे करना है, एच ने अटैक करना है कार्बन के ऊपर, इसके ऊपर नहीं। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे एक बल्कियर सा ग्रुप जाकर अटैच हो जाना है, यहाँ पे एक बल्कियर सा ग्रुप जाके अटैच हो जाना है। ग्रुप जितना बल्कियर होगा उतना ही बेहतर लिविंग ग्रुप है, ग्रुप जितना बल्कियर होगा उतना ही बेहतर लिविंग ग्रुप है। और इस वाली साइड पे, इस वाली पार्ट के अंदर एल्यूमिनियम एक एक करके अपने हाइड्रोजन लूज कर रहा, पहले एच नेगेटिव को इसने लूज करा, अब AlH2 है, अगली बार ये पूरा ही पार्ट यहाँ से बाहर आ जाना है। AlH4 से स्टार्ट हुआ, AlH पहली बार में AlH3 नेगेटिव बनना है, अगली बार इस हाइड्रोजन को भी इसने एमिट कर देना है, AlH2 रह जाना है। यही प्रोसेस हमने बार बार रिपीट करना है, यही प्रोसेस हर बार रिपीट होना है। अब अगर कीटोन और एल्डिहाइड के अंदर देखें, यहाँ भी ऐसा ही हो रखा है, एच नेगेटिव ने इस जगह पे अटैक करा, ये रेड मार्क है, एच नेगेटिव ने यहाँ पे अटैक करा और AlH3 ने बचे हुए सेंटर पे, इनिशियली बचे हुए सेंटर पे रिएक्ट करा AlH3 नेगेटिव ने। अगली बार एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर आ जाना है, मतलब जो प्रोसीजर है उसमें एक हाइड्रोजन पहले बाहर आ जाना है, फिर पूरा ही पार्ट बाहर आ जाना है और फाइनली अपने पास ये कंपाउंड जनरेट हो जाना है। अब इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो पार्ट है ये जनरेट कहाँ से हुआ, ये पार्ट यहाँ से जनरेट हो रखा है वाटर के साथ, ये पार्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कॉन्ट्रीब्यूशन से जनरेट बिल्कुल नहीं हो रहा। एसिड वाली पार्ट के अंदर या एस्टे वाली पार्ट के अंदर भी मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम है, एसिड या एस्टे वाली पार्ट के अंदर भी मैकेनिज्म सेम है, हर बार 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 एक ही मैकेनिज्म है। और ये सिमिलैरिटी क्रिएट करने का पर्पस भी यही था कि तुम्हें ये समझ आ जाए कि एक्चुअली हो क्या रहा, पहला हाइड्रोजन आ रहा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, दूसरा हाइड्रोजन आ रहा वाटर के साथ, तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जो पार्ट है वो बेसिकली ऑक्सीजन के साथ या जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है उनके साथ अटैच होते, सिर्फ अटैच होते, टाइम बिंग के बाद में वो वहाँ से रिप्लेस हो जाता, वो पूरा पार्ट रिप्लेस हो जाता है एच पॉजिटिव से। और यहाँ भी वही सारी चीज़ें, एक बारी फिर से देखो, एच है, इसने यहाँ पे अटैक करा, इस वाली पार्ट पे लिथियम है और आगे ये AlH3 नेगेटिव है, इसने क्या करा वैसे ही पार्ट पार्ट टाइम पे इसने करा, पहले इसने एक OH को OR को रिप्लेस करा, फिर इसने अब ये एक OR यहाँ पर रिप्लेस हो रखा है और ये OH है, वापस फिर से ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस वाली जगह पे आना है और ये पूरा ही पार्ट यहाँ से रिप्लेस होके OH बन जाना है।
तो जहाँ पे स्थिर है वहाँ पे इसके दो मॉलिक्यूल के अटैक है। पहले मॉलिक्यूल ने ऐसा करा, दूसरी बार जब इसने अटैक करा तो इस तरीके से चीज़ों को इसने एक्सपेल्ड करा, ओआर को इसने यहाँ से रिमूव कर रहे। और अगर एसिड के ऊपर अटैक करा तो एसिड के ऊपर एक बार में सिंगल अटैक है, एच नेगेटिव, और इस एच नेगेटिव के बाद तुम सीधा ही लिख सकते हैं कि यहाँ पे इसने OH जनरेट करा। वही प्रोसीजर है, वही मैकेनिज्म है। ये सॉल्ट है, यहाँ से एच पॉजिटिव इसने एब्स्ट्रैक्ट करा, इसने अपना हाइड्रोजन डोनेट करा था, इसने वापस हाइड्रोजन रीजनरेट करा, ये बाहर आ जाना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के फॉर्म में, बाकी चीज़ें गायब।